प्रस्तुति एक बार शुरू हो गई तो आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। आया भारतीय इतिहास का सबसे कलंकित दिन, जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खोल उठता है। वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर की गोलियों ने हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी घटनाओं से 12 साल के भगत के जीवन पर बड़ा असर पड़ा और मासूम भगत क्रांतिवीर बन गया। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बोल रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोल गए तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। एक कॉलेज परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और अन्य साथियों से हुई। बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के संगठन HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, खून से अपने रक्त देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। आदमी का शोषण रोकने के लिए इनकलाब एक ऐलान है, देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए।
इनकलाब एक चेतावनी है इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबे हुए जमीन को जगाने के लिए। इस दौरान जेल में 40 दिन की भूख हड़ताल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। दो पले रह गए थे, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, कोई आखिरी ख्वाहिश। हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप कोई नहीं कर सकते जिला साहब, मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना होगा। घर